अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे खांडवी, जो कि बेसन से तैयार की जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। एक प्याज ली है, जिसे बहुत ही फाइन हमने चॉप करना है, बहुत ही फाइन, बहुत बारीक काटना है। 2 ग्रीन चिलीज, जिसको हमने चॉप कर लिया है। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया है, इसको भी हमने चॉप कर लेना है। 1/2 हमने लेमन लिया है, इसका हमने रस यूज करना है। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, और 1/4 टीस्पून ही हमने ब्लैक पेपर ली थी, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने शाहजीरा लिया हुआ है, और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सबको मिक्स करके एक बैटर तैयार करना है, और उसी में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल देना है। हेयर यू कैन सी आवर बैटर इज रेडी। ये इतना ही पतला रखना है। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक पैन, उसमें ये बैटर हमने शिफ्ट करके और इसको कुक करना है, जब तक कि ये थिक फॉर्म में ना आ जाए। देखिए दोस्तों, अब बैटर हमारा थिक हो गया है। अभी हमें इसको कुछ सेकंड्स और पकाना है। फिर एक थाल मैंने तैयार किया हुआ है, जिसमें मैंने तेल लगा दिया है। मैं इसको उस बैटर को उसमें शिफ्ट करके और इसको हमने ठंडा करना है। देखिए दोस्तों, बेसन का जो हमारा बैटर था वो पक चुका था, तो मैंने इसको इसमें थाल में लगा दिया है, सेट करने के लिए रख दिया है। अब इसे ठंडा करके मैंने काटना है। बैटर हमने सेट होने के लिए रख दिया है। अब हम देखते हैं कि हमने ग्रेवी में क्या क्या यूज़ करना है। तो एक पैन लेंगे, जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच लेना है ऑयल। 1 स्लाइस अनियन मैंने ली है, जिसे ब्राउन करके हमने निकाल लेना है और उसको ठंडा करके हमने पीसना है। उसके बाद उसमें हमने ये खड़े मसाले कुछ मैंने लिए हैं 3, इसमें ग्रीन कार्डेमम है, 1 ब्लैक कार्डेमम, 5 to 6 मैंने क्लोव्स ली हैं, 8 to 10 मैंने ब्लैक पेपर लिया है। इसको सौते करने के बाद हमने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बिग स्पून मैंने लिया हुआ है। 100 ग्राम्स मैंने दही ली है, और ये कुछ ड्राई पाउडर मसाले हैं, जिसमें 1.5 स्पून करियंडर पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, और साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने अनियन को फ्राई करके निकालना है, ब्राउन करके, और इसको ठंडा करके पीस लेना है। और अनियन मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, अब मैंने ठंडा करके उसको पीस लेना है। बाकी जो बचा हुआ तेल था, उसमें सूखे मसाले डाले, उन्हें 2 मिनट सोते करने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, कर्ड, और जो हमारे ड्राई पाउडर मसाले थे वो सब ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से कुक करना है, ताकि जब तक कुक करना है कि तेल इसमें से सेपरेट हो जाए। फिर हमने वो अनियन का जो पेस्ट है वो भी इसमें डाल के कुक करना है। As you can see that I have added onion paste into it. अभी थोड़ी देर इसे और कुक करना है, जो अच्छे से इसकी जो मसालों की जो स्मेल है वो रिमूव हो जानी चाहिए, मीन्स अच्छा सा तेल ऊपर सब आ जाना चाहिए। अभी आपको तेल कम लग रहा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा ही डाला है। बाद में मैं इसमें देसी घी शामिल करूँगी। अब जो बैटर है मैंने उसके पीसेस करने हैं, वो इसमें ऐड करने हैं। नाउ आई एडिड कटेड खांडवी इन इट, और इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे ग्रेवी, हमने जितनी रखनी है उतनी, उसके अकॉर्डिंग हमने पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी के लिए मैंने क्या किया था, जिसमें मैंने बैटर तैयार किया था ना, उसी में मैंने 2 ग्लास पानी डाल के उसको बॉईल कर लिया था, तो वो पानी मैंने इसमें यूज़ करना है। आप भी ऐसा ही करिएगा, उसको बॉईल करके साइड में रख दीजिएगा, ठंडा होगा तो उसमें जितना भी बैटर आपका चिपका हुआ है वो सब आ जाएगा, और ग्रेवी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। लीजिए दोस्तों, तैयार है ज़बरदस्त सी खांडवी। पानी ऐड करने पर इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये रेडी है। क्योंकि जो पानी इसमें ऐड किया है वो पहले से बॉईल है, तो हमने उसको और नहीं पकाना, बस 1 मिनट पका के ये रेडी है। लीजिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार खांडवी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी से, पराठे से, चावल से, पूरी से, जिससे भी खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैंने तो ऐसे ही खाना है, फटाफट एक बोल में लेके और ऊपर से नींबू डाल के खाना है। आप समझिए, ये मतलब मेरे घर में तो ये वेटिंग लिस्ट एक होता है ना, कि वो कब बनाएंगे, उसमें रहता है। और जब
ये बन जाती हैं तो ये फटाफट से ख़त्म हो जाती हैं, मतलब कि पूरा ही सब खा लेते हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। फी अमानिल्लाह।